से नोएडा के रामपुरा पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा योगी सरकार में जान की भीख मांग रहे माफिया। यूपी में वायरल बुखार का कहर जारी, मरीजों के बढ़ने से अस्पताल के वार्ड हुए फुल, एक बेड पर दो दो मरीजों का चल रहा इलाज। लखीमपुर खीरी में मोबाइल टावर पर चढ़े बीजेपी नेता, पंचायत अध्यक्ष पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। बिजनौर में एक होकर खिलाड़ी की हत्या से हड़कंप, डीआईजी ने कहा जल्द होगा खिलाड़ी की हत्या का खुलासा, मिले ऑडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वे विकास पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए जातियों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जिसके आधार पर लोगों को गुमराह भी करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि योगी सरकार में आज माफिया तख्ती लेकर घूम रहे हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। कल तक माफिया थानों में रहकर थानों को चलवाते थे, लेकिन आज माफिया रहम की भीख मांग रहे हैं। लगातार माफियाओं के ऊपर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है और साथ ही माफियाओं की संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद फैलाने की कोशिश करता है विपक्ष। माफिया संदेश दे रहे हैं, जेलों के अंदर से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के चिट्ठियां लिख रहे हैं, बाहर कभी दिखाई पड़ते हैं तो तख्ती लगा के योगी बाबा माफ करो का बैनर लगाकर घूमते हैं। थाने के सामने से निकलते थे पहले पिछली सरकारों में, तो थानेदार भी अंदर हो जाता था। आज ये माफिया जो है वो आज एक छोटे से कांस्टेबल को देखकर भी भाग जा रहा है। ये परिवर्तन है, आज जनता के सामने ये दृश्य कभी उपस्थित नहीं हुआ था। 18 अरब से ऊपर की संपत्तियां आज माफियाओं की जब्त की गई हैं, बुलडोजर चले हैं। पहले कभी हुआ था क्या? पहले माफिया शासन पर बैठ के शासन चलाते थे, थाने जो हैं सत्ताधारी दलों के कार्यालय बन जाया करते थे। आज वो स्थिति नहीं है, आज पारदर्शी शासन है, आज निर्भीकता के साथ लोग चल रहे हैं। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों का जीना दूभर हो गया था, अपहरण की बहन बेटियों के अपहरण की घटनाएं आम हो गई थी। वायरल बुखार का कहर, यूपी में वायरल बुखार का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। बहराइच में इस समय वायरल बुखार से हालात ऐसे हैं कि मरीजों से जिले के अस्पताल के वार्ड पूरी तरह से भरे हुए हैं। आलम यह है कि एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन मरीजों में अधिकतर मरीज बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। अगर हम बात करें बहराइच जिला अस्पताल में बने चिल्ड्रन वार्ड की, तो यहाँ ये आलम है कि वार्ड में बेड की संख्या बढ़ानी पड़ी है। देखा जा रहा है कि एक एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं संबंध में जब सीएमएस ओपी पांडे से हमारे संवाददाता ने बात की, तो उन्होंने बताया कि बहराइच का जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बदल गया है, जिसके कारण बेहतर इलाज के लिए बहराइच के नजदीकी जिले श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और पड़ोसी देश नेपाल के भी मरीज बहराइच मेडिकल कॉलेज में रेफर किए जाते हैं। ऐसे में एक ही बेड पर दो दो मरीजों का इलाज करना मजबूरी है। तो यूपी में वायरल बुखार का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बहराइच में भी इस वायरल बुखार ने दस्तक दे दी है। मरीजों के बढ़ने से अस्पताल के वार्ड भी पूरी तरह से फुल हो गए हैं। लोगों की समस्याएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को पहले से पता है कि ये बहराइच जिला अस्पताल पहले से ही काफ़ी इसका रिप्रेशन अच्छी रही है, यहाँ मरीजों की संख्या काफ़ी रहती है। इस समय हमारे यहाँ पीडियाट्रिक वार्ड में कुल मिला के दो हफ्ते में करीब 485 मरीज भर्ती हुए हैं। उस 485 मरीजों में बुखार के केवल जो है 143 मरीज हैं, बाकी अन्य बीमारियों के जैसे DVD, नमोनिया, सेप्सिस और अदर दूसरी बीमारियों को बाकी मरीज हैं। आज जो है इस समय हमारे यहाँ पीडियाट्रिक वार्ड में कुल मिला के 52 मरीज भर्ती हैं, जिसमें कि PICU में 17 हैं और जनरल वार्ड में 35 मरीज हैं।
वहीं लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता एक अलग ही अंदाज में विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करते हुए मोबाइल के टावर पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने खीरी नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम योगी से रो रोकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि नेता ने नगर पंचायत में ईओ और पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया है, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया और बहुत समझाने की कोशिश की। दरअसल मोबाइल के टावर पर बीजेपी नेता चढ़ गए और न्याय की गुहार लगाने लगे। पंचायत अध्यक्ष पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम कोशिश की कि वो नीचे उतर आए और थक हार कर आखिरकार पुलिस वहां से लौटती हुई नजर आई। काफी मशक्कत के बाद दोबारा फिर पुलिस पहुंची और बीजेपी नेता को नीचे उतारा गया। तो पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंचायत में ईओ और पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं और न्याय की गुहार वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रोते बिलखते बीजेपी नेता नजर आए। दरअसल ये अनोखा विरोध जो है वो बीजेपी के नेता का दिखाई दिया है लखीमपुर खीरी से, जहां अलग ही अंदाज में विरोध करते ये नेता दिखाई दिए हैं, मोबाइल टावर पर चढ़ गए। बता दें कि नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करते हुए मोबाइल के टावर पर चढ़ गए हैं। देखिए, अगर योगी सरकार की मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार ने अपनाई हुई है। ऐसे में बीजेपी के नेता मोबाइल टावर पर चढ़ गए और भ्रष्टाचार का आरोप यहां लगाते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने खीरी पंचायत नगर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में वो मोबाइल टावर पर चढ़ गए, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा भी हो गई है। योगी आदित्यनाथ से रो रोकर न्याय की गुहार लगाते हुए वो नजर आए हैं। बता दें कि नेता ने नगर पंचायत में ईओ और पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी गौरव गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, बीजेपी नेता मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं, यहाँ पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जी काजोल, आपको बता दें, दरअसल पूरे मामले में खीरी के नगर पंचायत खीरी का, जहाँ पर बीजेपी नेता राम प्रकाश ने नगर पंचायत के ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपको बता दें, एक जगह जहाँ सूबे के मुखिया आदित्यनाथ के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम कवायद की जा रही है, तो भाजपा सरकार में उनके ही नेताओं की अधिकारी नहीं सुन रहे। ऐसा मामला ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व में भी लखीमपुर में कई दफा भ्रष्टाचार के चुके हैं जिसको अधिकारी बता देते हैं। बिल्कुल, अगर बीजेपी नेता की बात की जाए तो कहां कहां शिकायत की गई थी कि यहां पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है और उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई है? पुलिस मौके पर पहुंची है, समझा बुझाकर उन्हें टावर से नीचे उतारा है, योगी आदित्यनाथ से वो रो रो कर गुहार लगा रहे हैं। आखिर बीजेपी के अंदर उन्हीं के नेताओं की सुनवाई क्यों नहीं होती है? दरअसल इन्होंने फेसबुक पे लाइव होकर अपनी दास्तान को सुनाया, इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि इनकी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की, जिसको लेकर के इन्होंने फेसबुक पे लाइव होकर के योगी आदित्यनाथ से फरियाद लगाई है कि हमारी सुनवाई की जाए, और जिसको लेकर के तमाम अधिकारी मौके पे पहुंचे, उन्होंने टावर से उतरने को के लिए कहा। बिल्कुल गौरव, क्या इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? अभी तक जो भी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने टावर से नीचे उतरने की कवायद कही थी कि आप नीचे उतरिए, जो भी आपकी मांग होगी उसको हम लोग आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि वहां पर काफी अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखीमपुर खीरी का एक पूरा मामला है जहां पर अपने ही नेताओं की सरकार में सुनी नहीं जा रही है, और ऐसा पहला मामला नहीं, इससे पहले भी तमाम मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे बीजेपी नेता टावर पर चढ़ गए और वहां से कूदने की धमकी देने लगे, साथ ही साथ रोते हुए योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरी तरह से शुरू हो गया है, साथ ही इसके जद में आने वाले गांव के लोगों को नई जगह पर शिफ्ट करने का अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रोही गांव में स्थित भगवान हनुमान की 70 साल पुरानी मूर्ति को वहां से हटाकर बनवारी लाल बाग के पास प्रस्थापित किया गया। पूरी सावधानी से पवन पुत्र की मूर्ति को बनवारी लाल बाग लाया गया, जहाँ विधि विधान और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ उन्हें प्रस्थापित किया गया। इस दौरान पूरी सावधानी बरती गई ताकि बजरंगबली की मूर्ति को किसी तरह की क्षति ना हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं,
दरअसल अगर जेर एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, काम भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ऐसे में जो आसपास के गांव हैं वहां पर भी दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम लगातार जारी है, उन गांव वालों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ रोही गांव की मैं बात करूँ तो 70 साल पुरानी एक हनुमान जी की मूर्ति थी जिसे वहां से हटाया गया है और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनकी प्रतिस्थापना की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो मूर्ति है जो 70 सालों से इस गाँव में स्थापित थी लेकिन अब यहाँ से हटाया गया है। वाराणसी में एसटीएफ ने सोमवार की दोपहर को मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। मारा गया बदमाश दीपक वर्मा बनारस सहित आसपास के जिलों में आतंक का पर्याय बन चुका था। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरियासनपुर गांव में बदमाश और एसटीएफ के बीच गोलीबारी में इनामी मारा गया है। वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बदमाश और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है और काफी समय से इसकी तलाश भी की जा रही थी। दरअसल कुख्यात बदमाश ये बन चुका था, लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, आतंक का पर्याय ये बना हुआ था, इसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। आखिरकार 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुठभेड़ के दौरान की, बदमाश और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई आज दोपहर और आखिरकार 1 लाख का इनामी बदमाश दीपक वर्मा ढेर हो गया है। और अब खबर बस्ती से है जहां मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जिले में महिलाओं पर हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हत्या रेप जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। बेटियां ना घर में सुरक्षित हैं और ना ही बाहर। ताजा मामला बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र का है जहां घर से शौच के लिए खेत में गई 8 साल की मासूम के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। मासूम की हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बस्ती का एक पूरा मामला है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने के लाख दावे करती है, दम भरती है, लेकिन रोजाना रेप डकैती हत्या ऐसी वारदात सामने आती है। अगर बात रेप की जाए तो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बस्ती से ताजा मामला सामने आया जहां पर 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर आरोपी फरार हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। 12 सितंबर की शाम 6 बजे थाना दुबौलिया के रहने वाले वादी ने 112 नंबर पर सूचना दी कि उनकी 8 साल की पुत्री के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने बलात्कार किया है गन्ने के खेत में ले जा करके। उनकी सूचना के आधार पर फौरन थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए महिला चिकित्सालय भिजवाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति सामान्य है। वादी की तहरीर के आधार पर 376 AB और 5/6 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त की उम्र 16 साल है और पीड़ित और अभियुक्त आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं और पड़ोसी भी हैं। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजनौर से खो खो खिलाड़ी की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि 4 दिन पहले रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे रखे स्लीपर के बीच में खिलाड़ी का शव मिला था। इस घटना को लेकर जिले के आलाधिकारी सहित DIG मुरादाबाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस घटना को लेकर पीड़िता के घर वालों से बातचीत की। इस घटना को लेकर DIG का कहना है कि उन्होंने इस घटना से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ भी हो रही है। जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। इस घटना में पुलिस को ऑडियो भी मिला है जिसके आधार पर कई पुलिस टीम को लगाया गया है। बिजनौर का एक पूरा मामला जहां पर खो खो खिलाड़ी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यह मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। खिलाड़ी की हत्या का जल्द खुलासा किया जाएगा, DIG की तरफ से यह कहा जा रहा है। दरअसल शलभ माथुर DIG मुरादाबाद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा क्योंकि बिजनौर में जगह जगह इस खो खो खिलाड़ी की हत्या को लेकर लगातार आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कल भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था और आज दूसरी साइड से किया है, जो परिवार का जो रास्ता आता है घर की उसकी तरफ से, और कल टीम्स के साथ मीटिंग भी की थी, आज सुबह भी एक बार मीटिंग की और इस घटना के अंदर काफ़ी क्लूज हम लोग को मिले हैं और होपफुली इस घटना
घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा और सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई इसके लिए। अरे कितनी टीमें गठित की गई हैं? इसमें मल्टीपल टीम्स गठित हैं, जैसे जैसे हम लोग के पास क्लूज आते जा रहे हैं उस हिसाब से हम पुलिस में एड ऑन करते जा रहे हैं। कई थानाध्यक्ष इसमें लगाए गए हैं और SSP साहब को जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें सर्विलांस की टीम, SSG की टीम, SP सिटी साहब जो पंचायत क्षेत्राधिकारी हैं, इन सब के साथ इसमें साथ साथ ग्रीन यूनिट को भी इन्वॉल्व किया गया। 60 संख्या इत्यादि के कारण ही सहारनपुर पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस एक स्मैक तस्कर को पकड़ लिया और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। बता दें कि रविवार को कोतवाली कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए CO रिजवान अहमद ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार इस समय अवैध नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार की रात पुलिस को लखनौती मार्ग स्थित बिजली घर के पास से बाइकों पर सवार 3 लोग आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर इन लोगों ने भागने की कोशिश की, जिसमें 2 आरोपी फरार हो गए तो वहीं तीसरे आरोपी की भागने के दौरान कार से टक्कर हुई, जिसमें वो घायल हो गया और उसी दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए बदमाश के पास से 500 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने NDPS में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि पुलिस को बड़ी सफलता तो मिली ही है, साथ ही साथ पुलिस का अभियान भी लगातार सफल होता हुआ नजर आ रहा है। स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी जो साथी फरार हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। तो सहारनपुर का ही पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बाइक पर सवार होकर ये स्मैक तस्कर जा रहे थे, अचानक पुलिस को देखकर ये भागने की फिराक में थे। भागने की कोशिश भी की गई, ऐसे में एक की जो बाइक की टक्कर है वो कार से हो गई, जिससे वो घायल हो गया और तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे धर दबोचा। इसके पास से 50 ग्राम जो है वो स्मैक बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्मैक तस्कर जो हैं रोजाना इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील क्षेत्र के कई गांव में छुट्टा मवेशी और गौवंश किसानों की फसलों को चट कर रहे हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आए दिन इन सब के कारण सड़क हादसे भी होते हैं। बता दें कि कुछ चौराहे तो ऐसे हैं कि जिस पर 60 से 70 की संख्या में मवेशी सड़कों पर दिखाई देते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि सरकारी स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी गौशालाओं का निर्माण जरूर किया जा रहा है, जहां पर गौवंश को रहने के लिए व्यवस्था की बात और दावा सरकार करती है, लेकिन सड़कों पर मवेशियों का हुजूम आए दिन देखने के लिए मिलता है और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीरें, छुट्टा मवेशियों से किसान परेशान हैं क्योंकि किसानों की फसलों को ये खा रहे हैं। दूसरी तरफ राहगीर भी काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे सड़क हादसे भी लगातार हो रहे हैं। लाख दावे किए जा रहे हैं कि इनके लिए गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये जो गौवंश हैं वो गौशालाओं में कम और सड़कों पर ज्यादा नजर आते हैं। प्रतापगढ़ में फरार चल रहे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस भी अब सख्त हो गई है। बता दें कि कोर्ट से कार्रवाई की अनुमति लेकर फरार चल रहे अपराधियों पर SP सतपाल अंतिल अपने क्षेत्र में सख्त कार्रवाई करने में जुटे हैं और साथ ही फरार चल रहे अपराधियों पर मुनादी कराकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो वहीं SP का कहना है कि अपराधियों की धरपकड़ में जनता से थाना अध्यक्ष को सहयोग लेना चाहिए। इसी के साथ साथ थाना अध्यक्षों को SP ने कड़ा निर्देश दिया है और फरार चल रहे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस सख्त है, थाना अध्यक्षों को SP ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर थाना अध्यक्षों को SP ने सख्त निर्देश दिए। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है, क्योंकि जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, जनपद भर में उन अपराधियों की सूची तैयार की गई है जो कि अभी अरेस्टिंग से बचे हुए हैं, जो कि इधर उधर भागे हुए हैं। इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय से 82 CRPC के अंतर्गत इसमें आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं। लगातार इनाम करवाया जा रहा है और जो अपराधी एब्सकॉन्डिंग है उनके घर पर जाके मुनादी की जा रही है और वहाँ पे नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्रीय लोगों को भी उनके संबंध में पता चल जाता है कि ये लोग एब्सकॉन्डिंग हैं, ये घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिससे कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनको ज़्यादा बेहतर आता है।
वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष त्रिवेदी ने क्षेत्रीय दौरा किया। दौरे के दौरान क्षेत्रीय लोगों से घर घर जाकर मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को सुना। लोगों की समस्याओं को डायरी में नोट करवाया और संबंधित कर्मचारियों को मौके पर निवारण करने के आदेश दिया है और जल्द निवारण करने का आश्वासन भी। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष त्रिवेदी ने कहा कि रामपुर खास विधायक आराधना मिश्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा नगर क्षेत्र में विकास लगातार किया जा रहा है और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है या नहीं, इसको लेकर हम लोगों से मुलाकात कर उनके समस्याएं जानने के लिए क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो 4 साल में जो हमारे नगर पंचायत से जो काम हुए हैं उसको हम अपने तरफ से समीक्षा उसकी कर रहे हैं। हम माननीय विधायक जी मोना दीदी की तरफ से, नेता जी प्रमोद तिवारी जी की तरफ से इसको लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं कि हमारा कितना विकास यहाँ हुआ है उसकी हम समीक्षा लगातार हर वार्डों में जाके हम इसका समीक्षा कर रहे हैं। जनपद कानपुर देहात में चोरी करने का अनोखा तरीका उस समय देखने को मिला जब एक महिला ने एक ज्वेलरी शॉप में लोगों की आंखों के सामने बड़ी सफाई से सोने के आभूषणों को चुराया, लेकिन महिला का ये पूरा कारनामा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सरफा व्यापारी ने महिलाओं की मदद से महिला चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान महिला ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो महिला की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अनोखे अंदाज में ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए महिला रंगे हाथों पकड़ी गई है। मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है और महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने के लिए मिला है। ये थाना भोगनीपुर के पोखराया कस्बे में एक सोनार की दुकान पर चोरी का प्रकरण आया है संज्ञान में। उसमें वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्ता को बरामदगी करते हुए जेल भेजा जा रहा है और नियमानुसार अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। दुकान में एक लेडीज आई थी जिसने अंगूठी और टॉप मांगे थे देखने के लिए। जब उसको अंगूठी दिखाई गई है तो अंगूठी में उसने 3 अंगूठियाँ निकाली, जिसमें से 2 अंगूठी जब हमने उसको थोड़ा हैरिस किया तो उसने 2 अंगूठी वो हमारी गिरा दी नीचे जमीन में, जो कि हमने उसको उठा ली, वो हमारे पास वापसी आ गई। लेकिन 1 अंगूठी हमें अभी भी नहीं मिली है। जब उसको हड़काया गया तो वो नौटंकी करने लगी और हमारी दुकान में आके बेहोशी का नाटक करने लगी। इसके बाद जब उसको बहुत देर के बाद भी जब पुलिस नहीं आ पाई, हम लोगों ने हर तरीके से कोशिश करी कि पुलिस आए लेकिन पुलिस नहीं आई। वहीं हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के नीचे आने से बाइक चकनाचूर हो गई। पूरा मामला मधुआ कोतवाली क्षेत्र के NH 34 का है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मधुआ कोतवाली क्षेत्र के NH 34 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं हमीरपुर में ही एक युवक की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि युवक की मौत जहरीले सांप के काटने से हुई है। परिजनों ने पीड़ित युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के चितकौर गाँव का है, जहाँ युवक की मौत से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।